नमस्ते बच्चों, आज का हमारा शुभ विचार आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। अर्थात हमें तब तक प्रयास करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए जब तक हमें अपनी मंजिल ना प्राप्त हो जाए, लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में युगपत समीकरण का उपयोजन हम लोग सीखेंगे। इसमें आपके लिए नया प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार से है, मेरे पास कुछ घड़ियां हैं, अर्थात दो प्रकार की मेरे पास घड़ी है, डिजिटल घड़ी और कांटे वाली घड़ी। इन्हें मुझे सस्ते रेट पर बेचना है, सस्ती दर पर बेचना है। तो प्रश्न आपके समक्ष है, आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पर पहले दिन की जो बिक्री है उसमें कांटे वाली घड़ी कुल 11 घड़ियां बेची जाती हैं और डिजिटल घड़ियां कुल 6 घड़ी बेची जाती हैं। इन घड़ियों की बिक्री से पहले दिन जो राशि प्राप्त होती है वो 4,330 रुपया है। इसी प्रकार से दूसरे दिन की भी बिक्री होती है और दूसरे दिन कांटे वाली घड़ी की संख्या जो है वो 22 है और डिजिटल घड़ी की संख्या 5 है। इस प्रकार से इन घड़ियों की बिक्री से दूसरे दिन की जो कुल बिक्री होती है वो 7,330 रुपया है। अब हमें यह ज्ञात करना है कि प्रत्येक प्रकार की घड़ी का मूल्य कितना है, ये हमें ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है कि प्रत्येक प्रकार की घड़ी का मूल्य कितना है। इसलिए प्रत्येक प्रकार की घड़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए, यह हमारा प्रश्न है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अज्ञात है, दोनों घड़ियों का मूल्य अज्ञात है, तो उसके लिए हमें मानना पड़ेगा। माना कांटे वाली घड़ी का मूल्य ₹1 है। यहाँ आप हल लिख रहे हो, माना कांटे वाली प्रत्येक घड़ी का मूल्य बराबर ₹1 तथा डिजिटल घड़ी का मूल्य, यानी कैसा मूल्य? प्रत्येक घड़ी का मूल्य है, प्रत्येक घड़ी का मूल्य ₹2 है। आपने मानने का काम कर लिया। अब पहले दिन की बिक्री में आपको ध्यान देना होगा कि कांटे वाली घड़ियां कितनी हो, ध्यान रखो 11 घड़ियां, और डिजिटल घड़ियां कितनी है? 6। हम लिखेंगे इसलिए 11 कांटे वाली घड़ियों का मूल्य बराबर 11 में x बराबर 11x रुपये तथा 6 डिजिटल घड़ियों का मूल्य बराबर 6 × y बराबर 6y रुपये। इस प्रकार से प्रथम दिन में 11x और 6y हमें घड़ियों का मूल्य प्राप्त हुआ है। लेकिन हमें याद करना पड़ेगा कि कुल मूल्य कितना होगा 11 घड़ियों का और 6 घड़ियों का। इसलिए लिखेंगे प्रत्येक प्रथम दिन की कुल बिक्री, अर्थात दोनों प्रकार की जो घड़ियां बेचने से हमें जो राशि प्राप्त हो रही है उसे लिखेंगे। तो कांटे वाली घड़ी से 11x मिला है और डिजिटल घड़ी से 6y, और इस प्रकार से 11x + 6y रुपया हमें प्राप्त।
अब हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, इसलिए प्रथम शर्तानुसार। प्यारे बच्चों, अपने प्रश्न में आप देख रहे हो कि पहले दिन 11 घड़ी यानी 11x और कांटे वाली 11 घड़ी और डिजिटल घड़ी 6y दोनों को जोड़े तो 11x धन 6y रुपया तैयार हुआ। कुल रुपया कितना है? 4,330। यानी इन घड़ियों की बिक्री से जो प्राप्त राशि होगी उनको जोड़ने पर 4,330 के प्राप्त होगी। ये प्रथम शर्त आपका तैयार हुआ है। प्रथम शर्त के अनुसार हम लोग समीकरण बनाएंगे, तो ये होगा आपका 11x प्लस 6y बराबर 4,330 रुपया। अब यार इसे यदि हम छोटा कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन छोटा ये नहीं किया जा सकता है, किसी किसी संख्या के बारे में नहीं आता। तो यह आपका हुआ समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार से दूसरे दिन की बिक्री के लिए हमें समीकरण तैयार करना पड़ेगा। दूसरा शर्त होगा, यहाँ लिखेंगे इसलिए या इसी प्रकार से दूसरे दिन की बिक्री के लिए ऐसा नहीं है। तो क्या होगा? दूसरे दिन की हमारी कांटे वाली घड़ी कितनी है? 22। लिखेंगे 22 कांटे वाली घड़ियों का मूल्य बराबर 22x या 22x आप लिखेंगे तो वही चलेगा, तथा कितना दिया है आपने? 5 डिजिटल घड़ियों का मूल्य बराबर 5y रुपया। ऐसे इसे भी लिख सकते हो, 5y लिखिए, 5y रुपया। अब बेटा मैं ध्यान देना होगा, इस प्रकार से हमारा दूसरा समीकरण प्राप्त होगा कि दूसरे दिन की बिक्री से कुल राशि कितनी होगी? 22x प्लस 5y रुपया। इसलिए दूसरे दिन की बिक्री, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, दूसरे दिन की बिक्री से प्राप्त राशि या मूल्य तो कितना होगा? आपने क्या लिखा है? आपने 22x प्लस 5y, इसको कोष्ठक में बंद करेंगे और रुपया लिखेंगे। इसलिए द्वितीय शर्तानुसार लिख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरे दिन की कांटे वाली 22 घड़ियां हैं, इनकी बिक्री से 22x, डिजिटल घड़ी 5 है इनकी बिक्री से 5y, दोनों को जोड़े तो 22x, यहां पर 22x धन 5y रुपया मिला है। और अब हमारा द्वितीय शर्त के अनुसार समीकरण नंबर 2 तैयार होगा, वो हम लिखेंगे कुल बिक्री कितनी हो रही घड़ियों की, मूल्य कितना हुआ? 22x प्लस 5y, और ये कितना हो रहा है? 7,330 रुपया ये हमारा प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ 7,330। अब हम देखेंगे क्या ये छोटा हो सकता है, भाई 5 के पारे 5 आएगा लेकिन 22 नहीं आएगा, यह आएगा, सबसे छोटी संख्या है। मतलब आप सोचोगे कि क्या किसी संख्या के पारे में लोग आ रहे हैं, यदि आ रहे हैं तो इन्हें संक्षिप्त रूप देने का कोशिश करोगे, और नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं। अभी आप जरा तुलना करोगे, देखो ध्यान से कि समीकरण नंबर 2 इसको आप दे दो, समीकरण 2 में x का गुणांक 22 और समीकरण 1 में x का गुणांक 11, यानी 11 और 22 को समान करना है
अर्थात समीकरण एक में हमें दो का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ दो से गुणा करेंगे 11 दुना 22, 6 दुनी 12, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो 8660 रुपया ऐसा समथिंग आएगा। यहाँ देखेंगे लिखेंगे समीकरण एक में दो से गुणा करने पर, समीकरण एक गुणे दो, तो समीकरण एक है हमारा जैसा कि आपको बताया मैं, यहाँ पर आपका 22x + 12y बराबर 8660। यह आपका समीकरण नंबर बेटा हुआ 3, समीकरण नंबर 3 हुआ, समीकरण 3 हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कि हमें करना क्या है, तो हम देख रहे हैं 22x यहाँ भी है, 22x यहाँ भी है। आप चाहो तो समीकरण 2 में से 3 को घटाओ या समीकरण 3 में से 2 को घटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ समीकरण 3 ऋण समीकरण 2। अब समीकरण 3 है हमारा, यहाँ ध्यान से लिखेंगे 22x + 12y बराबर 8660, और समीकरण 2 क्या है 22x + 5y बराबर 7330। अब इसे हमें घटाना है, यहाँ बीच में घटाने का निशान, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और यहाँ प्लस है तो माइनस। ये आपका 22x - 22x + 22x कैंसिल हुआ, 12y में से 5y आप घटाएंगे तो आपका आएगा 7y। उसके बाद इसमें से घटा रहे हैं आप, 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से 3 गया तो 3, और फिर 6 में से 3 गया तो 3, और 8 में से 7 घटाए तो 1। ध्यान से घटाना है, अभी कोशिश करेंगे क्या 7 के पहाड़े में यह आएगा, आप चेक कर सकते हो इसको। तो भाग देते हैं y बराबर 1330/7। अब 7 × 1 = 7 होगा, 7 × 1 = 7 कितना बचा 6, 7 × 9 = 63, और 0 तो 0 लिखे, यानी y बराबर कितना है 190 है। यानी जो हमारी डिजिटल घड़ी है वो प्रत्येक घड़ी का मूल्य 190 रुपया प्राप्त हुआ। अब कांटे वाली घड़ी का मूल्य प्राप्त करना है, इसके लिए हमें देखना पड़ता है कि सबसे छोटा और आसान समीकरण कौन सा है। तो हमें लग रहा है कि सबसे छोटा और आसान समीकरण समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 में लिखेंगे हम कि y के स्थान पे 190 रखेंगे। यहाँ मैं हल करके आपको दिखा रहा हूँ, समीकरण 1 में y बराबर 190 रखने पर, समीकरण 1 आप ध्यान से लिखेंगे 11x + 6y = 4330। यहाँ पे 11x + 6y का मान कितना है, इसे आप कोष्टक में रखें तो बहुत अच्छी बात है, बराबर 4330। 11x + 19 × 114 होता है बेटा, ध्यान दो 114, 0 है तो 0 बढ़ा दिए, और यहाँ 4330। 9 11x = 4330 - 1140, इसको जरा घटा देंगे, घटाते समय सावधानी रखो, क्षैतिज विधि से भी घटा सकते हो, 0 में से 0 गया तो 0, और 3 में से 4 नहीं घटेगा यानी होगा 13, 13 में से 4 गया तो 9, यहाँ बचा 2, और 2 में से आपने 1 घटाया तो कितना आया 1, घटा तो ध्यान दो, और उसके बाद कहाँ है 4, 4 में से 1 घटेगा तो 1, 1190 आ रहा है, घटाना जरा ध्यान दो, 0 में से 0 गया 0, तो यहाँ पर आपने घटाया बेटा 4330 में से 1140 घटाए, ध्यान से घटाइए, 0 में 0 घटाया 0, और 3 में से 4 नहीं घटे यानी 13 में से 4 गया तो 9, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया तो 1, और 4 में से घटाए तो 3। अब यहाँ पे x बराबर लिखना है, मैं आपको यहाँ बगल में करके दिखा सकता हूँ, कैलकुलेशन ध्यान से देखो, यहाँ पे x बराबर 3190/11, 11 × 11 = 11, 11 × 22 = 21 होता है, यानी 99 होगा, 11 × 99 = 0 है,
आप ध्यान से भाग देंगे तो आपको x बराबर मिला 290। इस प्रकार से हमारी काटे वाली प्रत्येक घड़ी का भी मूल्य आ गया। हम यहाँ लिखेंगे उत्तर, काटे वाली या प्रत्येक काटे वाली प्रत्येक काटे वाली घड़ी का मूल्य बराबर क्या था मूल्य हमारा, 1 रुपया, यानी 290 रुपया, तथा प्रत्येक डिजिटल घड़ी का मूल्य यानी क्या था, 2 रुपये। तो क्या हुआ 100, यहाँ पर y बराबर 190 आया, 190 रुपया। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हो कि इस प्रकार से हमने प्रत्येक काटे वाली घड़ी का मूल्य 290 रुपया और प्रत्येक डिजिटल घड़ी का मूल्य 190 रुपये प्राप्त किया। इसी पर आधारित मैं आपको कुछ गृह कार्य दे रहा हूँ और आप उसे ध्यान से लिखने की कोशिश करेंगे। बहुत ही माइनर चेंजेस है मैंने बेटा, जो काटे वाली घड़ी है यहाँ पर 2 प्रश्न आपको गृह कार्य मिलेगा। तो काटे वाली घड़ी की संख्या यहाँ पर आपको मैं रेट से लिख दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। काटे वाली घड़ी संख्या में 15 रखता हूँ, काटे वाली घड़ी की संख्या यहाँ पर, काटे वाली घड़ी की संख्या 15 और डिजिटल घड़ी की संख्या मैं आपके लिए 8 और इन घड़ियों की बिक्री से मुझे कितना प्राप्त हो रहा है, काटे वाली घड़ी की और डिजिटल घड़ी की बिक्री से 7,700 प्राप्त हो रहे, 7,700। आप देख सकते हो 15 है अच्छे से और 8 है, ये पहला घर काम है। दूसरा इसी के बगल में और दे रहा हूँ आपको, काटे वाली घड़ियों की संख्या है 20, काटे वाली घड़ियों की संख्या है 20 और डिजिटल घड़ी की संख्या है 10 और इनकी बिक्री से कितना मिल रहा है हमें, 13,000 रुपये मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से 2 प्रश्न आपको मैंने दिया हुआ है, पहले दिन की बिक्री है और दूसरे दिन की बिक्री, ये दोनों है। ये पहले दिन की बिक्री है 15 और 8 और दूसरे दिन की बिक्री है जो है 20 और 10। तो एक प्रश्न मैंने आपको हल करके दिखाया है और दूसरा प्रश्न आपको घर काम में है चाहिए तो आपके लिए मैं इस तरह से मार्किंग कर दे रहा हूँ, आप ये ध्यान दीजिए, आपको ये घर काम में है, मेरी स्लाइड से ये है। ये पहले दिन की बिक्री है और ये दूसरे दिन की बिक्री है, आप चाहे तो उधर लिख लें या यहीं पर लिए, घर कार्य मैंने आपको क्या ध्यान देना बेटा, पहले दिन की बिक्री में काटे वाली घड़ी है 15 और डिजिटल घड़ी है 8, इनकी बिक्री से कितना प्राप्त हो रहा है, 7,700 और दूसरे दिन की बिक्री में काटे वाली घड़ी है 20 और डिजिटल घड़ी है 10 और इनकी बिक्री से 13,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। ध्यान देना है 21,250,000, 10,000, 13,000 प्राप्त हो रहे हैं। तो आप प्रत्येक प्रकार की घड़ी का मूल्य याद है, मुझे लगता है मैंने आपको एक ही सवाल मार्किंग का काम में दिया है, इसको आप ध्यान से देखोगे। सबसे पहले जो सिखाया गया प्रश्न है इसको बढ़िया से आप अच्छी तरह से करिए, 2-3 बार वीडियो देखिए, 1-2 बार अपने मन से हल करिए और उसके बाद जो दिया गया गृह कार्य है इसे आप लिख कर और शुक्रवार तक व्हाट्सएप करने की कोशिश करें, क्योंकि बिना प्रयास के कुछ होने वाला है नहीं। आप बार बार प्रयास करिए, अगले वीडियो में नए प्रश्न के साथ इसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र।